हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। बात करते हैं आज के मॉक टेस्ट को लेकर के। तो जो आज का जो विषय है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो अभी तक मैं बता दूं, पारिस्थितिकी वाला जो शब्द है वो मैंने यूज नहीं किया था। मीन टू से इसके क्वेश्चंस के बारे में हमने बात नहीं की थी। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में काफी कुछ आज बात करेंगे। तो आपका जो सीटीईटी 2018 है उसके लिए, आप पीसीएस के लिए, आप DSSB किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल उन सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है आपका ये मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट को अटेंड करिए, कितना कुछ आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट में पहला सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को शुरू किया किस कंट्री ने शुरू किया। ऑप्शंस में आपका चीन है, जापान है, मिस्र है और ऑस्ट्रेलिया है। बिल्कुल आपके आंसर सब तक आ गए होंगे, जिनको भी पता होगा कि ग्रीन आर्मी पर्यावरण संरक्षण के लिए यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए किस कंट्री के द्वारा जो है ग्रीन आर्मी जो है प्रोजेक्ट एक तरीके से शुरू किया गया। जी हाँ, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसके द्वारा ग्रीन आर्मी जो है वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जाके कि 17 से 24 वर्ष तक के लगभग 15,000 युवाओं को नियुक्त करने का कार्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को जो है लॉन्च किया था। लगभग उसमें क्या था कि 17 से 24 साल के बच्चे थे 15,000 लगभग, जिसको जो है ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया ऑस्ट्रेलियाई कंट्री में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो है कि खर्चे को लेकर के, तो $360 मिलियन जो है इसके लिए आवंटित किया गया था। ठीक है, तो ये हो गई जो है बात आपकी ग्रीन आर्मी को लेकर के। सेकंड इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं। प्राकृतिक कृषि यानी कि आप जो है नेचुरल तरीके से जो एग्रीकल्चर है, खेती कर रहे हैं, उसके अन्वेषक, उसके खोजकर्ता कौन है। तो ऑप्शंस में आपके MS रंधावा, सेकंड है आपका मासानोबु फुफुका, थर्ड है आपका MS स्वामीनाथन और फोर है आपके नॉर्मन बोरलॉग। जी हाँ, ये है आपके चारों ऑप्शन। बिल्कुल MS रंधावा, गुरु रंधावा नहीं है, ध्यान रहे, पंजाबी सिंगर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ये है आपके चार ऑप्शन। जी हाँ, प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक की अगर बात होती है तो वो है आपके मासानोबु फुफुका, यानी कि आपका दूसरे का जो है वो आपका सही है बी ऑप्शन। ठीक है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक। अगर इनकी बात की जाए तो जापानी किसान और ये दार्शनिक थे। ठीक है, वहां फार्मर और एक तरीके से फिलोसोफर ये थे। क्वेश्चन नंबर थ्री में है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का अन्य नाम है। कल मैंने ईपीए का फुल फॉर्म पूछा था, कल के पहले जो मॉक टेस्ट था, आज मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में इसका दूसरा नाम क्या है, क्षाता विधान, षडी मुबारक, इको संरक्षण नियम या पर्यावरण विधान। चलिए उत्तर बताइए जल्दी से इसका जो है कि इनमें से उत्तर कौन सा सही होगा। ईपीए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इसका अन्य नाम क्या है। तो अगर मैं बात करूं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को लेकर के, तो इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन यानी कि क्षाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो है अगला सवाल चौथा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की थी, कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम किसने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र वाली जो बात होती है वो किसने दिया था, एजी टेंसले, टेलर, हंटिंगटन या स्टुडर्ट। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए, जब भी पारिस्थितिकी तंत्र की बात होती है जो है तो आपके एजी टेंसले आते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि आपका चौथे का जो है वो बी सही है, एजी टेंसले। कहीं ना कहीं से जो है अगर आप बात करते हैं कि बात करें हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब जो नेचुरल रूप से आपको दिखाई दे, प्राकृतिक रूप से जो आपको दिखाई दे। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक खुला तंत्र, एक भौतिक तंत्र जो है, जो विशेष प्रकार से जो एक ओपन एरिया होता है। ठीक है, उसको आप पारिस्थितिकी तंत्र जो है बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पृथ्वी का सबसे बड़ा एग्जांपल दिया कि आप जो है इसको कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो स्वयं एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे बात कर लेते हैं, और काफी कुछ एजी टेंसले ने इसके बारे में बताया था, तो संकल्पना वाली जो बात आती है एजी टेंसले के साथ में आती है। क्वेश्चन नंबर फाइव में है कौन सा इसमें कृत्रिम पारितंत्र है,
कृत्रिम। देखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पर सब कुछ आपका नेचुरल होता है पारितंत्र में। यहाँ इसने पूछा है कि कृत्रिम कौन सा है, यानी मैन मेड कौन सा है, आर्टिफिशियल कौन सा है, घास का मैदान, वन, धान का खेत या झील। ये हैं आपके चार ऑप्शन। बिल्कुल आपका उत्तर आ गया होगा, धान का खेत है, क्योंकि ये क्या होता है, मैन मेड होता है, आदमी ही इसमें काम करते हैं। ठीक है, बाकी घास का मैदान, झील, वन की बात हो गई तो सबके सब किस में आएंगे, आपके प्राकृतिक में आएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में, आपका लिखा हुआ निम्न में से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, वन, समुद्र, पर्वत, घास का मैदान। आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो कई बार आपके पूछे गए हैं। बिल्कुल, तो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र इसने पूछा है। जी हाँ, आपका जो समुद्र है वो होगा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, क्योंकि काफी कुछ एक्वाटिक चीजें जो है हमको देखने को मिलेंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर सेवन में, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय, निकाय मतलब क्या होता है, एक बॉडी एक तरीके से कोई। ठीक है, मैंने बोला पारिस्थितिकी निकाय सबसे बड़ा कौन सा है, पृथ्वी। अब मान लीजिए कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राथमिक स्रोत, बस सिंपल सा है, बस समझने की बात है। क्वेश्चन आपके सामने, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा, केड़वन में उत्सर्गित ऊष्मा या पेट्रोलियम। बिल्कुल आपका आंसर आ गया होगा, मैंने बोला पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर एट में, निम्न में से कौन सा कार्य पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है, इनमें से आप कौन सा कार्य करेंगे कि जो इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस पैदा करेगा, वो वन महोत्सव की बात, वनारोपण, सामाजिक वानिकी या वन उन्मूलन। मैं बता दूं ऐसे लिख करके आएगा, वन उन्मूलन। मान लीजिए वैसे आपका इंग्लिश में तो देता ही है, लेकिन अगर हिंदी में ही आ गया तो वन का उन्मूलन मतलब एक तरीके से क्षय करना, नुकसान करना वनों का। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, जब आप वन का नुकसान करेंगे तो कहीं ना कहीं से जो पारिस्थितिकी संतुलन है, जो प्राकृतिक संतुलन है पारितंत्र का, वो कहीं ना कहीं से आपका बिगड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन में आपका दिया है, इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, सबसे मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन लेवल की बात हो रही है, शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स को, मांसाहारी कार्निवोर्स को, सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स को, या फिर अपघटक यानी डिकम्पोजर्स को। चलिए आप अपना उत्तर बताइए, अब तक आपका उत्तर आ गया होगा, इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर की बात हो रही है, तो उच्चतम पोषण स्तर आपका सर्वाहारी ओमनिवोरस होगा, सर्वाहारी ओमनिवोरस। ठीक है, अगर बात किया जाए पोषण स्तर एक को लेकर के, तो प्राथमिक उत्पादक आते हैं आप, पोषण स्तर है न्यूट्रिशन लेवल टू की बात करेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे, द्वितीयक में आपके जो है थ्री में आपके द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, और लास्ट में क्या होता है पोषण स्तर चार में, या लास्ट में सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता जिसको बोलते हैं वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर टेन में दिया है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, मैंने इसके पहले बोला था कि कौन सा जो है एक तरीके से जिसको हम जो है पारितंत्र या अगर वातावरण का दुश्मन या जिस भी नाम से हम पुकारें, तो बबूल है, यूकेलिप्टस है, नीम है और पीपल है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पारिस्थितिकी मित्र नहीं है मतलब जो भी नेचुरल चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं से जो है वो नुकसान पहुंचाता है, तो बस इतना ही पूछा गया है इसमें। पारिस्थितिकी मित्र, इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि कितना क्लिष्ट शब्द है पारिस्थितिकी लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने बता दिया जो भी आपका नेचुरल चीज है प्राकृतिक जो भी देखने को मिले। जी हाँ, वो यूकेलिप्टस ही है आपका, ये मैंने इसके पहले बताया हुआ है कि जो यूकेलिप्टस है ये आपका काफी कुछ नुकसान करता है। रीजन ये है कि काफी कुछ, अगर वाटर सप्लाई की बात की जाए, इसको बड़ा होने के लिए काफी कुछ जो है पानी की जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं से ये जो है इसीलिए इसको पारिस्थितिकी मित्र नहीं माना जाता है, या पारिस्थितिकी का दुश्मन आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई जो है, और अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण जो है इसको बोला जाता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत पाया जाता है अगर बात की जाए तो। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें जो है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका कि सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है, महासागर, समुद्र, मरुस्थल है, पर्वत है या वन है, इनमें से कौन सा है। स्थायी की बात की है, एक परमानेंट जो आपका इकोसिस्टम है, मरुस्थल है, कहीं ना कहीं से चेंजेस उसमें देखने को मिल सकते हैं, पर्वत आपका जो है छोटा बड़ा उसमें भी आकार परिवर्तन, उसमें साइज में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, एवरेस्ट आप देख ही रहे हैं जो है कभी आपका 8848 होता है, कभी 8850 मीटर्स हो जाता है। ठीक है, वनों की बात की जाए, आज वन है कल लोगों ने काट दिया। महासागरों की बात करते हैं, जो महासागर है वो आपके सबसे स्थायी है, इनमें से सबसे स्थायी देखने को जो है महासागर ही मिलते हैं। ठीक है, आपको समुद्र मिले, महासागर मिले, दोनों आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितवैता है, यह किस आंदोलन का नारा है। काफी स्लो चल रहा हूं मैं, चलिए तेजी से बात करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। ऑप्शंस में है नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन या जंगल बचाओ आंदोलन। जी हाँ, पारिस्थितिकी स्थायी मितवैता है।
कहीं ना कहीं से जब आप बात करेंगे जो है चिपको आंदोलन को लेकर के, उत्तराखंड वाला जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे उनके द्वारा शुरू किया हुआ, तो उसमें ही ये जो है नारा दिया गया था पारिस्थितिक स्थायी मित्र वैता है। एपिको आंदोलन आपका जो है कर्नाटका से संबंधित है, वहां की स्टेट से बिल्कुल, ये भी आपका जंगल और पर्यावरण बचाओ या पर्यावरण संरक्षण से ही संबंधित था, लेकिन ये नारा जो है वो आपका चिपको आंदोलन में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 चिपको आंदोलन संबंधित है बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप संरक्षण से या पादप प्रजनन से। पादप मतलब आपका पेड़ होता है, यानी कि प्लांट कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं या प्रजनन की बात कर रहे हैं आप जो है पेड़ों की। चलिए आपको समझ में आ गया होगा जो है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 जी हाँ, पादप संरक्षण अभी मैं ऊपर बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1986 में, 1972 में, 1980 में या 2006 में। मैं बात कर रहा हूं आपका भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये ऑप्शन आपका बी सही है, ध्यान रहे। यहां पे पूछा है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो भी 1986 काफी लोगों ने हो सकता है इसमें जो है गेस किया हो, ठीक है। यहां पर वन्य जीव संरक्षण की बात हो रही है, ठीक है। अगर बात की जाए वहीं जो पारंपरिक वन निवासी या वन अधिकार की जो मान्यता वाली बात होती है, वो आपका दिया गया था 2006 में, ठीक है। और अगर 1980 की बात की जाए तो वन संरक्षण अधिनियम वर्ष जो है वो 1980 में लागू किया गया था, बाकी 1986 आपका पर्यावरण संरक्षण से है और 1972 आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारतीय, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस यानी बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 29 दिसंबर, 5 जून, 22 मई और 22 अप्रैल, ठीक है। चलिए आंसर जी हाँ ये है आपका 22 मई। मैं बता दूं कि जो यूएन है यूनाइटेड नेशंस है वो जो है 22 मई को मनाता है, संयुक्त राष्ट्र 22 मई को मनाता है, जबकि अन्य देशों की बात की जाए तो वो 29 दिसंबर को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। आगे बात कर लेते हैं, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, मतलब नुकसान का, आवासीय प्रदूषण, अत्यधिक दोहन है, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश या आवासीय विनाश, प्राकृतिक आवासीय विनाश लिखा हुआ है ये, बिल्कुल सही, जिन्होंने भी आपका डी लगाया है, तो प्राकृतिक आवासीय विनाश ये है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17, लिखा हुआ है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल इनमें से कौन सा है, थार रेगिस्तान, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट है आपका बंगाल की खाड़ी है आपका, तो आपको इसमें से बताना है। जी हाँ बिल्कुल आप सही है, जो है जैव विविधता की दृष्टि से आपका पूर्वी घाट भी है, ईस्टर्न घाट भी है, लेकिन उससे ज्यादा आपका वेस्टर्न घाट जो है देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। जब आप इंडिया के मैप की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं से ये वाला जो इलाका है वेस्ट साइड का जो है वेस्टर्न घाट, उसमें जो है बायोडायवर्सिटी, कहने का मतलब है जीवों की विविधता काफी देखने को मिलती है, पेड़ पौधों की विविधता वहां देखने को काफी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट से संबंधित संगठन इनमें से कौन सा है, IUCN, IBWC, WWF या UTES। जी हाँ ये है आपके चार ऑप्शन, IUCN, IBWC, उम्मीद करते हैं आपका आंसर जो है आ गया होगा। तो अगर बात की जाए जो है तो जी हाँ आपका ऑप्शन जो है वो IUCN ही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें क्या है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, तो इसमें क्या है जो अभी तक मैं रेड डेटा बुक की बात कर रहा था, जो विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त हो चुके हैं उनको लेकर के जो है बात करता है ये, ठीक है। इससे संबंधित संस्था है IUCN है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, देवदार, परडांग, यूकेलिप्टस या सिकोया। तो सबसे लंबा अगर मैं जीवित वृक्ष को लेकर के बात करता हूं तो आपका सिकोया है, ठीक है। सिकोया स्पेलिंग इसकी है SEQUOIA, ये है आपका सिकोया। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएसए में आपका जो है कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में ये पाया जाता है। अगर लंबाई की बात की जाए तो लगभग 115 मीटर इसकी लंबाई होती है। 20 और अंतिम सवाल आज के मॉक टेस्ट का, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में। एक बार क्वेश्चन मैं ये पूछ चुका हूं, आप सभी को आता होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इंग्लिश में ट्रॉपिकल, जो आपके रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर। मैं बता दूं अगर ये आपका ग्लोब है पूरी तरीके से, ये वाला एरिया जो इक्वेटर वाली लाइन जाती है इसके आसपास का, मतलब इक्वेटर से यानी कि 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ की बात करें या 10 डिग्री साउथ की बात करें, ये आपका 0 डिग्री है यहां से 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये 10 डिग्री आपका साउथ है। तो ये वाला जो एरिया होता है
ये देखने को मिलता है। सर्वाधिक जैव विविधता का एरिया, रीजन बिहाइंड काफी ज्यादा भारी मात्रा में जो है वर्षा और भारी मात्रा में जो है सर्वाधिक तापमान यहीं पर देखने को मिलता है। तो बस मित्रों यही थी, ये था आज का मॉक टेस्ट हमारा जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर के। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।